अगर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़िंदगी का मुताला करें तो ये पता चलता है कि वो खुदा रसीदा होने के बावजूद उनसे शरीयत तो क्या तर्क होती बल्कि अहतमाम नवाफिल। शरीयत में इस दर्जे कमाल पैदा किया था कि हम मदाइन फ़राइज़ में भी इनकी गर्द पा को नहीं पहुँच सकते। आज मज़हब में इन दोनों तबकात की वजह से हकीकी इल्म बातिन जो का तू अवाम के हाथों नहीं पहुँच सका। इसकी वजह यह है कि उलमाए ज़वाहिर ज़ाहिर पर इक्तफार करके बातिन की तरफ तवज्जो नहीं की, जिसकी वजह से ये जहला की जमात अल्लाह के ज़ात व सिफात को अपने जहन व फ़िक्र से समझ कर शरीयत की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। अब अवाम इन दोनों के हाथ का गीत बनेंगी। उलमाए ज़वाहिर से जब अवाम मिलते हैं तो उनसे उलमा मुलाहिदा की शिकायत करके ये कहते हैं कि ये गुमराह है, इनसे शरीयत तर्क हो गई, नमाज रोज़ा गया, ये गलत इल्म है। अब मुलाहिदा से जब अवाम मिलते हैं तो ये उलमाए ज़वाहिर की शिकायत करते हैं कि देखो इनको अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात का पता तक नहीं मालूम, उनकी सोहबत में रहने से खुदा के ज़ात व सिफ़ात का पता नहीं चल सकता। गर्स के अवाम इन दोनों की गलत बयानी से परेशान है। अवाम के यहाँ इस दर्जे का इल्म नहीं है कि इन दोनों के मुतालक व सही खतूत पर कुछ सोच सके कि इनमें कौन हक बजानिब है और कौन गलत रास्ते पर है। अब इसलिए यहाँ ये बात वाज़ह की जाती है कि उलमाए ज़वाहिर के कमाल से नावाकिफ़ है, लेकिन ज़्यादा शरीयत को बरकरार रखते हैं और उन्हीं से इस्लाम की शान और शरीयत का तहफ़ुज़ है। अगर आज ज़माने में इल्म ज़ाहिर न होता तो कोई इस्लाम का परस्तार होता न सही तौर पर खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान सकता था। इनकी कोताही सिर्फ़ ये रही कि जिस तरह ज़ाहिर में ये कामिल है इसी तरह बातिन में भी कमाल पैदा किए होते तो ईमान हकीकी की लज्जतों से मालामाल होते और सिद्दीकीन का दर्जा हासिल करते, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल ईमान यह है कि जान ले तेरे साथ अल्लाह है, तू जहाँ कहीं हो। इन्ना अफजल अल ईमानी अन तालम अन अल्लाह मा का हैसु मा कुंता। तब यह हकीकत इन पर वाज़ह हो जाती। दूसरा फ़िरका जो मुलाहिदा का है, अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात को जानने का दावा करता है, उस पर खिलाफ शरीयत अहकाम व आमाल को रवा रखता है, इल्म ज़ाहिर की तहकीर करता है। ये इंतहाई गुमराह कुन तबका है, क्योंकि यह मसला जमहूर का मुत्तफ़िका है कि हर वह हकीकत बातिल है जिसकी शरीयत तायद न करे। वह इल्म तरीकत व इरफान ही क्या जिससे शरीयत ही मुतज़र्रर हो जाए। ये तबका जो गलती कर रहा है इसकी वजह यह है कि अक्सर जहला जिनका नफ्स शरीयत की पाबंदी से रोकता है और शरीयत के उलूम का मुतहम्मिल नहीं होता, इनको इबादत की अहमियत है न रियाजत का शौक़। ऐसे बदबातिनों ने अकायद को हवा दे दी है, जिसकी वजह से एक तरफ तो इस्लाम की बुनियाद खोखली हो रही है तो दूसरी तरफ अवाम परेशान है और ये कहने पर मजबूर है कि हम उलमाए ज़वाहिर की सुने या ऐसे लोगों की बातों पर एतकाद लाए जो खुदा की ज़ात व सिफ़ात की बातें करते हैं। तीसरी तरफ उलमाए ज़वाहिर परेशान है कि दीन में फासिक व फाजिर तो थे ही, उनकी तबलीग करते करते नाक में दम था, तो अब ये मुलाहिदा की जमात ने इतना सर उठाया कि फिस्क व फजूर से गुज़र खुद को खुदा बोलना शुरू किया। इन सारी परेशानियों का वाहिद हल ये है कि हर तबका अपने अकायद आमाल व अफकार को सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के अकायद व आमाल व अफकार के तहत कर दे। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ज़ाहिर के माहिर थे,
तो बातिन के कामिल व शरीयत हक्का के मुत्तबा थे और खुदा रसीदा भी थे, तभी तो हुजूर उनसे खुलकर मर्तबा एहसान में कलाम फरमाया, तुम अल्लाह की ऐसी इबादत करो कि गोया अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये ना हो सके तो यूँ समझो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। कमा कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता अब्दल्लाह कान्ना कतरा अलाखिर लौ दल्लै तुम बिहबली इलल अर्दी असफली हबता अलल्लाही युनाजिल्लाह मादाम फिस्सलाती। अलहदीस। बावजूद ये कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इन हकीकतों से वाकिफ़ होने के कभी भी सरमो शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं की, जो लोग अहकाम ज़ाहिरी पर इक्तफार करके इल्म बातिन का इनकार करते हैं वो बड़ी खराबी में है। उनके हाथ से कुरान का एक हिस्सा निकल गया, क्योंकि कुरान के तीन हिस्से हैं। एक हिस्से में अवामिर व नवाही को बयान किया गया है, दूसरे हिस्से में अंबिया अलैहिस्सलाम के कसस और दीगर वाकियात है, और तीसरे हिस्से में अल्लाह ताला के ज़ात व सिफात का इल्म है। आए दिन हमारे हाथों में कुरान के वो दोनों हिस्से मुकम्मल है, अवामिर व नवाही और कसस, और मैं हक ने अवामिर व नवाही के हर मसले को तहकीक से बयान फरमा दिया और उसमें हर रद्ब याबीस का जवाब मुहैया कर दिया। कयामत तक जो जो ज़रूरतें लाहक होंगी दीन में, उन सब का जवाब फराहम कर दिया। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के कसस और दीगर वाकियात कुरानी इस दर्जे अहतमाम से लिखे गए हैं कि उन्हें किसी को शुबा नहीं हो सकता। लेकिन कुरान का वो तीसरा हिस्सा जिसमें अल्लाह ताला अपने ज़ात व सिफात के अते पते देते हैं, अगर कोई इसको समझना चाहे तो उसके लिए बहुत दुश्वारियाँ है, क्योंकि बाब तौहीद में हक ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं हर शय पर आहाता किया हुआ हूँ, मैं हर शय पर हाजिर हूँ, मैं तीन में चौथा, चार में पांचवा, पांच में छठा हूँ, मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ, मैं ज़ाहिर हूँ, मैं बातिन हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं अनफुस में हूँ, मैं आफाक में हूँ, तुम जिधर देखो उधर मैं ही हूँ, और तुम्हारे रगे गर्दन से करीब हूँ, और तुम्हारी जानों में हूँ। हक ताला इतना खुलकर अपना पता दे रहे हैं तो बंदे मोमिन मुस्तर और बेचैन हो जाता है कि मैं ऐसे खुदा को पाऊँ, और उसके अंदर से एक तलब सादी उठती है कि अल्लाह का पता चल जाए। बस इसी धुन और ध्यान में तलब हक में निकलता है तो उसको रास्ते में दो जमातें मिलती है, एक उलमाए ज़वाहिर की और दूसरे मुलाहिदा की। उलमाए ज़वाहिर से जब तालिब हक मिलता है तो उसे ये कहकर रोक दिया जाता है कि ये बड़ी बातें हैं, इस तरफ ना जाओ, सीधा सीधा नमाज पढ़ लो और शरीयत की पाबंदी कर लो, ये बात खुद खुल जाएगी। अपने ख्याल को इस तरफ से हटा लो वरना गुमराह हो जाओगे। ये उलमाए ज़वाहिर की कोताही है। इनको चाहिए था कि खुद इस मकाम को हासिल करके अल्लाह के बंदों को भी इस मकाम तक पहुँचाए। जब तालिब हक को दूसरी जमातें मुलाहिदा की मिलती है तो ये तालिब हक जो सही जज्बा लेकर उठा था उसकी ऐसी मिट्टी पलीत की जाती है कि वो कहीं का भी नहीं रहता, ना वो दुनिया का रहता है ना दीन का, क्योंकि इसको इस तरह गलत तालीम व तफहीम की जाती है कि जिसका सबूत कहीं भी किताब व सुन्नत से मिलता है और ना सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़िंदगी से और ना उलमा बिल्ला की ज़िंदगी में इसका पता चलता है। बस इस तालिब हक को अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात और अफ़ाल व आसार इस तरह गलत तफहीम किए जाते हैं कि वो अपनी तलब सादिक की वजह इस तफहीम को हक जानकर अकीदा बना लेता है
और उसी पर अमल करता है। नतीजे में वो बंदा जो तलब हक में निकला था खुद खुदा बन के बैठ जाता है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। शरीयत भी छूटी, अल्लाह की तलब भी छूटी, कसीरत दुनिया व आखिरा के मकाम पर पहुंच जाता है। यह सरी गुमराही है। मुलाहिदा को ये चाहिए कि जिसकी ज़ात व सिफ़ात का ये इल्म बयान करते हैं उसके अहकाम और आसार को भी खूब समझ ले। वो इरफान ही क्या जिसमें अल्लाह के अहकाम की लापरवाही हो। अगर ये लोग ज़रा गौर करते कि हमसे पहले भी जिन्होंने अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का इल्म बयान किया था वो हमसे ज़्यादा इल्म कुरान व हदीस जानते थे। इनका ज़माना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बहुत करीब था, लेकिन वो कभी भी बावजूद ज़ात व सिफ़ात का इल्म व इरफान रखने के शरीयत हक्का को मुतद्दिर नहीं करते थे, बल्कि और अहकाम शरीयत का एहतमाम फरमाते थे। तालिबान हक को हक की तलब पैदा होना ये उनकी फितरी मांग है। जिस तरह सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की तलब को हुज़ूर के सामने पेश किया और अल्लाह ताला की ज़ात के आते पते दरियाफ़ किए, जिसकी सबूत के लिए यह आयत काफ़ी है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी अलाकिर। दौब कौम की हिदायत के लिए एक ही एक रास्ता है कि मुलाहिदा अपने इल्म बातिन के ज़ाम को तर्क करके इस इल्म को किताब व सुन्नत की रोशनी में हासिल कर ले। और उलमाए ज़वाहिर जिस तरह उलूम शरीयत को हासिल किए हैं उसी तरह इल्म बातिन को भी मुकम्मल कर लें और सही जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। जिस तरह अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेमत ज़ाहिरी व बातिनी मुकम्मल की थी, कमा कहा अल्लाह ताला अज़बगा अलैकुम निअमहू ज़ाहिरतन व बातिना, इसी तरह उनके जानशीन पर भी लाजिम है कि वो इल्म ज़ाहिरी बातिनी से कामा हक का वाकिफियत हासिल कर लें। और तालिबान हक को जिस तरह उनके ज़ाहिर को आरस्ता करते हैं उसी तरह उनके कल्ब व रूह को मुनव्वर कर दे। मुलाहिदा को बुरा भला कहने से, उन पर फतवाबाजी से उनकी इस्लाह नहीं हो सकती, बल्कि ये लोग खुदा के ज़ात व सिफ़ात का इरफान तहत किताब व सुन्नत हासिल करके उनके इल्म बातिन को मेट सकते हैं। और ज़माना इतना गाफिल नहीं है, वह सियाह व सफ़ेद को अगर जानता नहीं है तो रोशनास ज़रवर है। अवाम फौरन समझ सकते हैं कि मुलाहिदा गलती पर है, क्योंकि इनको अल्लाह के गलत इरफान ने शरीयत से रोक दिया और उलमाए ज़वाहिर ने अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का इल्म हासिल करके शरीयत की हिफाजत और उसकी तबलीग। इसी मुख्तसर से बहस के बाद हम पर यह लाजिम आता है कि मुकाम सिद्दीकीन पर फायज होने के लिए अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात का इल्म तहत किताब व सुन्नत हासिल करना ज़रूरी है। अब इसके बाद का दर्जा है अंबिया अलैहिमुस्सलाम का। इस दर्जे को इंसान कसब से हासिल नहीं कर सकता, यह दर्जा कसबी नहीं वह भी है, क्योंकि नबी नबा से मुश्तक है जिसके मानी इत्तला देने के है। तो हक ताला नबी को चुन लेते हैं अपने इत्तलात पहुंचाने के लिए। यह दर्जा इबादत व रियाजत से हासिल नहीं हो सकता, यह अल्लाह के फजल की चीज़ है, जिसको चाहा दे दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बाद अल्लाह ताला ने सिलसिला नबूवत को ख़त्म फरमा दिया। क़यामत तक कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हो सकता। मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर उनकी उम्मत होकर शोबा नबूवत की तबलीग कर सकता है। इस तबलीग की वजह से इसको का अंबियाई बनी इसराइल कह दिया। واعبدوا ربكم واعبدوا
فاعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.